जब बात जंगल के खूंखार शिकारियों की आती है तो कई जानवरों के नाम जहन में आते हैं, लेकिन कुछ एक शिकारी ऐसे होते हैं जिनकी दहशत फैलाने के लिए नाम ही काफी होता है, जैसे कि टाइगर। शिकार को पल में धूल चटाने वालों में इनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। लेकिन जंगल के सुपर प्रेडेटर की कई और सब स्पीशीज भी पाई जाती है जो अपने रौबदार शिकारी अंदाज के लिए जानी जाती है। टाइगर की ऐसी ही तीन प्रजातियों के बारे में हम बात करने वाले हैं और इनके बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को भी समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर टाइगर फैमिली की सब स्पीशीज है जो कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सहित सदर्न तिब्बत के कई इलाकों में देखी जा सकती है। वहीं भारत की बात की जाए तो पेंच टाइगर रिजर्व में बंगाल टाइगर को सबसे बड़ी संख्या में देखा जा सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये टाइगर वर्ल्ड वाइड फेमस क्यों है। ये जानने के लिए आपको इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में जानना जरूरी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे ताकत की बात करें या फिर अपीयरेंस की, हर मामले में ये बिल्कुल रॉयल है, इसीलिए तो इसे इंडिया का नेशनल एनिमल माना जाता है। सुमात्रन टाइगर। आइए अब बात करते हैं सुमात्रन टाइगर की। धरती पर टाइगर की लगभग 5 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सुमात्रन टाइगर सबसे छोटी प्रजाति है, लेकिन इससे इसके खतरनाक शिकारी बिहेवियर पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, बस इसी तर्ज पर इस टाइगर को भी देखिए। बाकी जब आप इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो खुद ही इसका लोहा मानेंगे। फिलहाल हम आपको हमारे अगले बाहुबली साइबेरियन टाइगर से मिलवाते हैं। रशिया और चाइना में सरवाइव करने वाली टाइगर की ये सब स्पीशीज अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे मैंचूरियन टाइगर, एमोर टाइगर, कोरियन टाइगर। अब यूं तो टाइगर्स खतरनाक होते हैं, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस से लेकर बिहेवियर और हंटिंग टेक्निक्स तक हर मामले में ये बाकी टाइगर से बहुत अलग होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम तीनों के बीच एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर इनके बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। बंगाल टाइगर, पावरफुल एंड अमेजिंग एबिलिटीज। ऐसा माना जाता है कि जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनमें से बंगाल टाइगर का केनाइन सबसे लंबा होता है। ये लगभग 4 इंच तक लंबा होता है, जो कि शेर के केनाइन से भी बड़ा होता है। साथ ही इसके क्लॉज भी काफी स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, जिससे बड़े बड़े जानवरों को भी ये आसानी से पकड़ लेते हैं। साथ ही पेड़ों पर चढ़ने के लिए भी ये इसका इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों पर चढ़ने के मामले में ये लायन से कहीं आगे होते हैं। अगर बात की जाए इनके हियरिंग एंड विजन एबिलिटीज की, तो इस मामले में भी ये काफी हुनरमंद होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी दूर से ही शिकार का अंदाजा लगा लेते हैं और रात के अंधेरे में भी शिकार को दबोचने की ताकत रखते हैं। जैसा कि इसका रुतबा है, वैसा ही इसका अंदाज भी है। भले ही इन्हें जंगल का राजा नहीं कहा जाता, लेकिन जिस रौबदार अंदाज में ये रहते हैं, किसी बादशाह से कम नहीं होते हैं। अकेले अपने दमदार शिकार करने और अपने इलाके की सेफ्टी का दमखम अगर किसी में होता है तो वो है टाइगर। बंगाल टाइगर जंगल में अकेले सरवाइव करने वाले जानवरों में से है, क्योंकि ये सॉलिटरी नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें अकेले ही देखा जाता है। बिग टेरिटरी। हालांकि बंगाल टाइगर को आप अक्सर आराम फरमाते हुए देख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े इलाके पर राज करते हैं और अच्छी खासी जगह के मालिक होते हैं। दरअसल जंगल के लार्ज एरिया में ट्रैवल करना इनके पसंदीदा कामों में से एक है, जहां ये अपनी टेरिटरी की सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन की तलाश भी करते हैं। पेड़ों पर चढ़ना हो या फिर पानी में तैरना, बिग कैट फैमिली के इस सरदार के लिए कोई भी काम मुश्किल भरा नहीं होता। दरअसल मैनग्रोव इकोसिस्टम टाइगर के लिए सबसे सूटेबल हैबिटेट माना जाता है। फिर चाहे घना जंगल हो या फिर नदी तालाब, टाइगर की नजर से बच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि शिकारी जानवरों में ये काफी अच्छे तैराक भी होते हैं और स्किल्ड किलर भी, क्योंकि लगभग 10 फीट का टाइगर जब शिकार के पास आता है तो मौत का दूसरा रूप ही लगता है। वैसे पिग, डियर, एंटीलोप्स, बफलो जैसे जानवरों का शिकार करने में इन्हें महारत हासिल है, लेकिन क्या आपने साइबेरियन टाइगर के हंटिंग स्किल्स के बारे में सुना या देखा है? अगर नहीं तो ये रहा साइबेरियन टाइगर, द लार्जेस्ट कैट इन द वर्ल्ड। जब टाइगर की लार्जेस्ट सब स्पीशीज की बात होती है तो साइबेरियन टाइगर का जिक्र होना लाजमी है। इसे दुनिया की लार्जेस्ट कैट भी कहा जाता है, क्योंकि कैट फैमिली के सभी सदस्य जैसे कि लायन, जैगुआर, कूगर, लेपर्ड इनके बाद ही आते हैं। यहाँ तक कि बाघ की दूसरी सब स्पीशीज भी, यानी इन्हें कैट फैमिली का सरदार कहा जा सकता है। ये ईस्टर्न रशिया के ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ भारी मात्रा में स्नोफॉल होता है,
इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के टाइगर्स के मुकाबले इनका सर्वाइवल हैबिटेट्स और टेक्निक्स कितना चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि ऐसे हैबिटेट्स में शेल्टर से लेकर खाना जुगाड़ करना बेहद कठिन होता है, फिर वो चाहे टाइगर ही क्यों ना हो। हाँ, ये और बात है कि अक्सर ये रशिया और चाइना के बॉर्डर को क्रॉस करते रहते हैं, इसलिए इनके हैबिटेट्स में थोड़े बहुत बदलाव देखे जा सकते हैं। साइबेरियन टाइगर्स की कैटेगरी में आने वाले एमुर टाइगर्स में देखा गया है कि वो हार्श वेदर में सस्टेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, जहां इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में जीना पड़ता है, जो कि बंगाल टाइगर के बस की बात नहीं है। दरअसल इसके लिए एमुर टाइगर की बॉडी भी उसी तरह से डेवलप हुई है, इसलिए ये इस कंडीशन और टेम्परेचर को आसानी से झेल पाते हैं। इनकी बॉडी में फैट की थिक लेयर होती है, जिससे इनका शरीर काफी समय के लिए गर्म रहता है और ये स्नोफॉल जैसे हालात में आसानी से रह पाते हैं। इसके अलावा इनके शरीर पर पाए जाने वाले बाल भी काफी घने और गद्देदार होते हैं, जो इन्हें वार्म रखते हैं। इस तरह साइबेरियन टाइगर को दमदार टाइगर बनाने में उसके बॉडी फीचर्स का एक बड़ा रोल होता है। इनके बारे में एक और बात बेहद जरूरी है जो इन्हें बंगाल टाइगर्स और सुमात्रन टाइगर से अलग करती है, वो है कि ये आराम करने में अपना ज्यादा वक्त नहीं बिताते, क्योंकि ये जितना मूवमेंट करेंगे इनकी बॉडी हीट उतनी ही बनी रहेगी, जो इनके जिंदा रहने के लिए सबसे सबसे जरूरी है। अगर इनके नेचर की बात करें तो ये बंगाल टाइगर जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये भी सॉलिटरी नेचर के ही होते हैं, साथ ही अपनी टेरिटरी को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं, जहां ये अपने शिकार को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। हाँ, खास मौकों पर ये फीमेल टाइगर के साथ अपना भोजन जरूर शेयर करते हैं। बताया जाता है कि साइबेरियन टाइगर का सिटिंग में लगभग 8 से 10 किलो तक मीट खाते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा भूखे हुए तो ये करीब 25 किलो से भी ज्यादा मीट कंज्यूम कर सकते हैं। एमुर टाइगर के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि ये एक दो बार में अपने शिकार को नहीं पकड़ पाते, इसके लिए इन्हें कई बार कोशिश करनी पड़ती है। लगभग आधे घंटे तक शिकार का पीछा करने के बाद खास रणनीति के तहत ही ये शिकार पर हमला बोलते हैं। आइए अब जरा इनके शिकार के बारे में भी जान लेते हैं कि ये किन जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल माउंटेन और स्नोफॉल वाले इलाकों में जंगल जितना शिकार मिल पाना आसान नहीं होता। हालांकि बंगाल और सुमात्रन टाइगर के लिए ये थोड़ा इजी जरूर होता है। बेसिकली साइबेरियन टाइगर हूफ्ड एनिमल्स को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, जैसे कि बेयर्स, डियर, बोर्स, एल्क वगैरह वगैरह। इसके अलावा मुश्किल समय में या हाथ लगने पर फिश, रैबिट्स, हेयर्स एंड पीकास को भी भोजन बना लेते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि साइबेरियन टाइगर दुनिया के दमदार टाइगर्स में से एक है, लेकिन ये भी सच है कि ये अब एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर नेचुरल और ह्यूमन दोनों तरह के एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। सुमात्रन टाइगर। सुमात्रन टाइगर में फैट की कमी होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में बोन और मसल्स ज्यादा दिखता है। बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर के मुकाबले इनका बॉडी वेट भी कम होता है, लेकिन शिकार के मामले में ये पक्के खिलाड़ी होते हैं। बंगाल टाइगर की तरह ही सुमात्रन टाइगर को भी पानी से काफी प्यार होता है। ये पानी में तैरने में भी माहिर होते हैं और ये काफी फास्ट स्विमर भी होते हैं, इसलिए अगर कोई इनके डर से खुद को पानी में छुपाने की कोशिश करता है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं जमीन पर भी ये इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि इनसे पीछा छुड़ाने में अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, क्योंकि दौड़ने के साथ साथ ये लंबी दूरी तक जंप भी कर सकते हैं। लेकिन साइबेरियन टाइगर की ही तरह सुमात्रन टाइगर भी एक्सटिंक्शन की मार झेल रहे हैं, और इसके पीछे की वजह है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट एंड पोचिंग। बताया जाता है कि इंडोनेशिया के आइलैंड में कभी इनकी जनसंख्या ठीक ठाक हुआ करती थी, लेकिन अब ये संख्या बेहद कम है। सुमात्रन टाइगर्स रेन फॉरेस्ट वाले हैबिटेट्स में रहने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हें घने जंगल में सर्वाइव करना पसंद होता है। ये सिर्फ सुमात्रा आइलैंड में ही पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर स्पीशीज में ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, और दूसरे टाइगर्स के मुकाबले इनके शरीर पर पाए जाने वाले स्ट्राइप्स भी काफी नजदीक होते हैं। इसके जरिए भी आप साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर और सुमात्रन टाइगर में डिफरेंसेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे टाइगर्स की तुलना में सुमात्रन टाइगर्स का ऑरेंज फर थोड़ा डार्क होता है, जिसकी मदद से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी आसानी से कैमोफ्लाज कर पाते हैं और अपने शिकार को धोखे में रखकर उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। ये इनके शिकार का सबसे कारगर तरीका होता है। सुमात्रन टाइगर के कंधे के पास शेरों की तरह बाल उगते हैं, जो दूसरे टाइगर स्पीशीज में कम या नहीं के बराबर देखे जाते हैं। इसके अलावा इनके विस्कर्स भी लंबे होते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव और नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं।
वैसे आपने नत्थूलाल की मूंछों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन सुमथरन टाइगर की मूंछें सिर्फ दिखाने के लिए ही नहीं बल्कि बड़े काम की चीज होती है। बताया जाता है कि ये अपनी सेंसिटिव विस्कर्स की मदद से हवा में होने वाली छोटी से छोटी हरकतों को भी महसूस कर लेते हैं, इसलिए इनके शिकार को भी इनसे काफी सतर्क रहना पड़ता है। इस एपेक्स प्रेडेटर के लिए डियो, वाइल्ड पिग्स, फिश और मकॉस जैसे जानवर बेहतर शिकार माने जाते हैं, जिन्हें ये अपना भोजन बनाते हैं। हालांकि ये सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों में से एक है, लेकिन इनका सिर्फ 10% शिकार ही सफल हो पाता है। तो इस तरह टाइगर की ये तीनों प्रजातियां अपनी अपनी स्टाइल में सरवाइव करती है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।